मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी बनागर अजय सिंह ने कहा है कि राहुल पटेल रास्ते से निकलते समय सौरभ को धक्का लगा तो सौरभ पटेल गंदी गंदी गालियां देने लगा और विवाद बढ़ गया। सौरभ पटेल के दो अन्य साथी जिनकी उम्र लगभग 22 से 25 साल है, जिनका नाम नहीं जानता, दोनों ने पकड़ लिया और सौरभ पटेल ने चाकू से हमला कर दिया, जिस पर पीठ में दो जगह एवं पेट में दाहिनी तरफ चोट लगकर खून निकला है। शोर मचाने पर आसपास लोग इकट्ठे हुए, जिन्होंने घायल को लेकर थाना पनागर पहुंचे। घटना के बाद आरोपी फरार है। राहुल काछी पटरा रोहित पांडे उमरिया के रहने वाले हैं। सौरभ मारपीट करते हुए बोला, यदि थाने रिपोर्ट करने जाओगे तो जान से खत्म कर दूंगा। जिस पर भाई दिलीप दुबे के साथ रिपोर्ट करने आया, वह पुलिस ने घटना में शामिल आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जबलपुर ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे की रिपोर्ट। लग गया हल्का सा, मेरा धक्का लग गया उसने, हमने सॉरी बोल दिया, उसने मेरे को बहन की गाली दिया, हमने बोला भाई थोड़ा हिसाब से चलो थोड़ा। उसने मेरे को दो लड़के लोग पकड़े, सौरभ पटेल ने पकड़ा दो लड़के मेरे को पहले पकड़े और सौरभ पटेल ने मेरे को चाकू मारा। और दो लड़के उमरिया के थे। क्या उनको पहचानते? हाँ, मैं जानता हूँ उन लोग को। क्या नाम है उनका? रोहित पांडे करके नाम है, जो देख रहे थे। और वो इसका नाम क्या है? अमन यादव। इन लोग खड़े होकर देख रहे थे। मारा किसने? मारा मेरे को सौरभ पटेल ने। कितने लोगों ने चाकू मारा? एक लोग ने मारा, दो लोग मेरे को पकड़े थे। कहाँ के रहने वाले थे ये? नरगमा कह रहा था वो। संतोष दुबे निवासी पटरा उमरिया थाना पनागर अंतर्गत ने शिकायत की है कि इनका आपस में कुछ सौरभ पटेल से विवाद चल रहा था और उसको धक्का लग गया, तो उसी बात को लेकर के सौरभ पटेल ने और उसके दो साथियों ने उसको पकड़ लिया और फिर सौरभ पटेल ने चाकू से उसके चोट करी, जिसे इलाज हेतु शासकीय अस्पताल भेजा गया है। सर, ये लगभग कितने लोगों ने इसके साथ? तीन लोगों का नाम उसने लिखा है, सौरभ पटेल का नाम बताया और दो अन्य साथी जिनके नाम नहीं जानता है।